हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 आरंभिक नगर में नए नगर, नए सेल और कच्चे माल की खोज, मतलब वे लोग जो भी बनाते थे उसके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, और हड़प्पा सभ्यता में हमने कौन कौन सी कलाकृतियाँ प्राप्त की थी, इसके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम नगरों में रहने वालों के लिए भोजन और गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो छोटे छोटे नगर बनाए गए थे, मोहनजोदड़ो वगैरह, लोथल, कोशीगंज, तो उसमें जो लोग रहते थे वो कैसा भोजन करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी भोज रहते थे, मतलब जो लोग थे, जरूरी नहीं कि वे सभी लोग नगर में ही रहें, मतलब जिन लोगों की आमदनी छोटी थी, जिन लोगों के पास कम रुपया पैसा था, तो वे लोग गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, मतलब जो लोग, अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, जो लोग गाँव में रहते थे वे लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, मतलब जो किसान जो खेती बाड़ी करते थे, चरवाहे जो जानवरों को पालते थे, मतलब तो वे लोग क्या करते थे, जो शहरों में बड़े बड़े राजा महाराज शासक रहते थे वो उन लोगों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों उगाते थे, मतलब जिस समय उन लोगों ने, पुरातत्वविद लोगों ने उस पर अध्ययन किया, उन लोगों को पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने और अध्ययन किया, तो उन लोगों को क्या पता चला था कि जो हड़प्पा के लोग हैं वे लोग किसकी खेती वगैरह करते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों की। ये बात सभी को समझ में आ गई। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, मतलब जब वे खेती वगैरह करते थे तो क्या करते थे कि जमीन को हाथों से खोद देते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नई सभ्यता में रहना सीख लिया, नई खोजों का आविष्कार करना सीख लिया, तो उन्होंने जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना सीखा था, और ये उनके लिए एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा काल में, मतलब जो भी खेती की गई थी उस समय उन लोगों ने अगर हल का भी प्रयोग किया होगा तो वे हल पुरातत्वविद लोगों को नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि वे हल किसके बने होते थे, लकड़ी के, इसीलिए वे प्रयोग में लाते लाते समाप्त हो गए। लेकिन उन लोगों को हल के आकार के क्या मिले, खिलौने मिले हैं, तो इससे उन्होंने पता लगा लिया कि वे लोग हल का प्रयोग करना भी सीख गए थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। वे जिस नगर में रहते थे, जिस जगह रहते थे, वहाँ पर बारिश कम होती थी, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर खेती अलग तरीके से की जाती है। जब वे लोग वहाँ रह रहे हैं तो उन लोगों ने भी खेती को करने के नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। वो लोग सोच रहे हैं कि जब बिना पानी के कोई भी खेती नहीं की जा सकती, कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता, तो वे लोग क्या करते, पहले पानी को एकत्रित करके रखते और जहाँ पर जरूरत होती थी वहाँ पर पानी का प्रयोग करते, और इससे फसलों की सिंचाई भी करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के जो चरवाहा लोग थे
जो लोग पशुओं को या जानवरों को पालते थे वे लोग क्या पालते थे, गाय भैंस भेड़ और बकरियाँ। और ये लोग कहाँ रहते थे, हरे भरे घास के मैदान के पास, बस्तियों के पास, जहाँ पर उन लोगों को आसानी से खाने पीने की चीज़ें और पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन जैसे ही सूखे महीने मतलब बारिश कम होती थी, खाने पीने का सामान समाप्त हो जाता था, हरे भरे घास के मैदान प्रयोग में लाते लाते समाप्त हो जाते थे, तो वे लोग क्या करते थे, अपने मवेशियों या और उन जानवरों को चारे पानी की तलाश में दूर दूर ले जाते थे। वे जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। वे जो बेर के पेड़ होते हैं उससे बेरों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ने का भी मत्स्य पालन करते थे, हिरणों का शिकार करते थे और उनको ऊंचे दामों पर बड़े बड़े राजा महाराजा शासकों को दस्तकारों को बेच देते थे। जो लोग इन सब का प्रयोग करते थे उन लोगों को ये बेच देते थे और कुछ बचा और अपने पास बचा लेते थे जिसका प्रयोग वे खुद भी कर सकें। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा काल में कौन कौन से नगरों की स्थापना हुई उस पर लोगों ने अध्ययन किया। तो देखिए, कच्छ के इलाके में खदेर वैत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जो गुजरात में कच्छ समुद्र कच्छ का मैदान है उस पर क्या है, खदेर वैत के किनारे कौन सा था, धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, कि वहाँ पर उन लोगों को पानी बिल्कुल स्वच्छ मिलता था और वहाँ की जमीन उपजाऊ थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था, आसपास पानी था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, मतलब एक नगर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन धौलावीरा नगर ऐसा था जिसको तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, मतलब जब आप एक चीज़ को तीन भागों में बांटोगे तो उन्हें अलग अलग करने के लिए क्या करोगे, जो हिस्सा है उसको और थोड़ा सा ऊंचा उठा दोगे। तो इन लोगों ने भी वही किया था। धौलावीरा नगर के मतलब जब उन्हें तीन भागों में बांटा गया था, उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें लगा दी गई और हर एक भाग के आगे एक बड़ा सा प्रवेश द्वार लगा दिया गया। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और इस नगर में क्या था, एक बड़ा सा मैदान था। जब भी वहां पर मेले का आयोजन किया जाता था या कोई भी फंक्शन या कोई भी कार्यक्रम होता था तो वो इस मैदान में किया जाता था। कौन सा कार्यक्रम, सार्वजनिक, जो सभी लोग मिलकर मनाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। मतलब यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उनमें हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती थी उनको बड़े बड़े अक्षर, उसके जो लिपि के नमूने कहाँ पाए गए हैं, पत्थरों में खोद खोद कर लिखा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। मतलब जो भी लिपि थी वो क्या होता था, लकड़ी में लिखी जाती थी। ये बहुत ही अद्भुत नमूना था जो पत्रों पर लिखा गया था, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो हड़प्पा में जितने भी लिपि प्रयोग की जाती थी उनको मोहर जैसे छोटे रूप में बनाया जाता था। ये बात सभी को समझ में आ गई। गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोतल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मतलब एक मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर था, लोथल था, मोहनजोदड़ो, तो ये कहाँ था, लोथल नगर कहाँ था, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था, क्योंकि गुजरात में कौन सी नदी रहती है, साबरमती, और लोथल कहाँ था, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था।
और ये ऐसी जगह बसाता जहाँ पर कीमती बहुमूल्य पत्थर थे और जो भी कच्चा माल था जो उन्हें प्रयोग में लाना होता था वो यहाँ पर आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि यहाँ पर जो भी कच्चा माल जो प्रयोग में लाते थे, चाहे शिल्पकार हो, दस्तकार हो, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले हो, उन सबको कच्चा माल लोथल नगर के में आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। मतलब इस नगर में एक भंडार गृह मतलब एक स्टोर रूम भी था जहाँ पर कई मोहरें मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी मोहरें प्रयोग में लाई गई, कौन सी मोहरबंदी, कौन सी मुद्रा प्रयोग में लाई गई है ना, तो उनके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं जो किस पर बनाए गए थे, गीली मिट्टी पर दबाने से। मतलब उस स्टोर रूम में क्या होता था, मिट्टी को मतलब जिस आकृति को हमें बनाना है उस गीली मिट्टी में उस आकृति को दबा दिया जाता था जिससे उसकी छाप बन जाती थी। आपको ये पिक्चर दी गई है, ये किसकी है, ये लोथल नगर का बंदरगाह है। क्या है ये, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। अब देखिए ये बता रहे हैं ये जो तालाब है ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। जब आप बताइए, जब आपको जो कच्चा माल दूसरे देश से या दूसरे नगर से मंगाते थे वो किसके सहारे आता था, नाव द्वारा आता था। अब नावें कहाँ चलती हैं, पानी में। तो वे बता रहे हैं कि जो नाव वगैरह को ये रुकने का क्या था, रास्ता था। यहाँ पर नावें वगैरह रुकती थी और क्या होता था, यहाँ पर माल को चढ़ाया और उतारा जाता था। ये बात सभी को समझ में आ गई। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधवने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मतलब लोथल नगर में एक ऐसा इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। अब उन्होंने ये कैसे पता किया कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे, वहाँ पर मनके बनाने के जो उपकरण थे और अधवने मनके मिले थे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। मनके कैसे बनाए थे, बहुमूल्य पत्थरों से बनाए जाते थे और बने बनाए मनके भी यहाँ पर मिले। तो उन लोगों ने ये पता कर लिया कि इस इमारत में किसका काम होता था, मनके बनाने का। तो बच्चों आज के लिए ही सिर्फ इतना, कल की क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। बाय।